हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ऐसा नहीं कि केवल नेट की जो तैयारी चल रही उसी के लिए है। अगर आप BSc में हैं या MSc में हैं या फिर आप इससे रिलेटेड हैं मैथ्स से, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नेट सेट गेट जो भी है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही। तो मैं चाहूँगा अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने लिखा है फंक्शन की डोमेन पे बात मैं करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे जो पहला लाइन है, मैं यहाँ पर एक चीज़ पहले बता दूँ, जो फंक्शन हम देखने वाले हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शन हम देखने वाले हैं। ओके, रियल वैल्यूड, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो सो रियल पे ही बात करेंगे। ओके, तो देखिए, अ सेट एस ऑन विच फंक्शन f इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। याद रखिए, फंक्शन की डोमेन रेंज और फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जितने भी उनके रिजल्ट्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, तो आप अगर उसको नहीं देखें बिल्कुल देख लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पर केवल डोमेन ऑफ डेफिनेशन पे फोकस करने वाला हूँ। तो क्या लिखा है, अ सेट s ऑन विच फंक्शन f इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। पहले मैंने फंक्शन की डोमेन के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिया छोटा सा, कि फंक्शन है ना क्या होता है, एक सेट है ना, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है, या यूं कहिए जहाँ से आप इनपुट लेते हो, है ना, वो क्या होता है, फंक्शन की डोमेन होता है। क्लियर? अब यहाँ पर इतना तो समझ आ गया कि फंक्शन जहाँ पर डिफाइन है वो डोमेन है, लेकिन यहाँ एक नया चीज़ मैंने लिखा कि द लार्जेस्ट डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन ही है ये भी, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लार्जेस्ट डोमेन यानी जो फंक्शन की जो सबसे बड़ी जो डोमेन होगी उसे बोला जाता है डोमेन ऑफ डेफिनेशन, शॉर्टकट में बोलते हैं DOD। हम इसी को फोकस करेंगे। तो देखिए, इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से डिफरेंस को मैं बता देता हूँ। तो क्या चीज़ है, जैसे fx इक्वल टू साइन एक्स है, x बिलोंग्स टू 0 to infinity है। अब देखिए, ये जो फंक्शन साइन एक्स है ये किस पर डिफाइन है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity पर, है ना, ठीक है ना। ये हमारा, ये जो ऊपर वाला है उसके लिए ये हमारा ग्राफ है, क्लियर ना। तो जो साइन एक्स जो है वो डिफाइंड इस पर है, मतलब इनसे इनपुट ले रहे हो आप, तो इनके लिए डोमेन क्या हुई, डोमेन हुआ 0 to infinity। तो ये जो है इस साइन एक्स के लिए डोमेन है, क्लियर हो रहा है। लेकिन खास बात यह है, साइन एक्स पूरे आर में भी डिफाइंड हो जाता है, मतलब पूरे आर में भी आप इसे इस तरह से ग्राफ बना सकते हो, -∞ to +∞, ठीक है ना। तो आर भी इनका डोमेन हो गया, क्लियर हो रहा है, क्योंकि R पर भी तो पूरा डिफाइन है, और R क्या है, इनसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। सो इसका मतलब ये हुआ, R इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन, मतलब DOD, क्लियर हो रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए, हर एक फंक्शन की अपनी है ना क्या होती, पर्टिकुलर DOD होती ही है, और DOD से जितने भी छोटे आप सेट लोगे, जैसे ये DOD है, इनके जितने भी सबसेट्स होंगे उन पर भी ये डिफाइन होगा, तो वो सिंपली डोमेन बस बोला जाएगा। लेकिन DOD जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा डोमेन ऑफ डेफिनेशन, तो समझ लेना चाहिए लार्जेस्ट डोमेन, क्लियर हो गया। अब हम कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जिसे हम लिखने वाले हैं। ओके, तो देखिए, है ना, मैंने इधर फंक्शन से लिखा है, इधर उसके DOD लिखे हैं, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, है ना। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, है ना, मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले fx इक्वल टू c, है ना, c मीन्स कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए कोई भी हो सकता है ना, मतलब -∞ to +∞ आप जो ले लीजिए, मतलब रियल लाइन, ये पूरा कंप्लीट इसके लिए क्या होता है, DOD होता है। मैं डोमेन की बात कर रहा था, कोई भी आप ले सकते हो, और DOD पूरा R होगा, रियल लाइन होगा। तो मैंने यहाँ रिजल्ट के तौर पर लिख दिया, एवरी कांस्टेंट फंक्शन हैज़ DOD R। सिमिलरली fx इक्वल टू x पावर n, n बिलोंग्स टू n, fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x स्क्वायर, fx इक्वल टू x क्यूब, इन सब के लिए भी DOD क्या होगा, R होगा। और सबसे खास बात है ना, यहाँ पर ये तो खैर x² x³ की बात चल रही है, इसमें +1 करो, -1 करो, ऐसे पूरा पॉलिनोमियल a₀ + a₁x + a₂x² के फॉर्म में अगर लेते हो आप, जहाँ पर कोफिशियंट पूरा रियल है, तो जो पॉलिनोमियल है वो भी क्या हो जाएगा, उनके लिए भी DOD क्या हो जाएगा, R। तो मैंने रिजल्ट लिख दिया, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हैज़ DOD R, क्लियर है। ये चीज़ें जब याद रहती है ना, इसका अप्लाई कैसे करना है ये पता होता है, तो फ़ायदा होता है, लिमिट है ना, अगर हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए पहले ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद फिर खुद से ग्राफ भी बनाना सीखना है, तो मैं ग्राफ वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखिए, नेक्स्ट देखिए, f(x)(x^(1/2n), मतलब x^(1/2, x^(1/4), x^(1/), मतलब क्या हो रहा है, ये है ना, ये इरेशनल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन था, है ना, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये इरेशनल फंक्शन है। ओके, तो ये जो इरेशनल फंक्शन है, इनकी खास बात आप ग्राफ बनाकर देख लीजिए, है ना, इस टाइप का बनता है इनका ग्राफ, है ना, इस तरीके से,
इस तरीके से है ना, ये लाइन से कंटिन्यू बनता है ग्राफ। तो जीरो टू इन्फिनिटी पे ये डिफाइन होता है, कौन ये, तो सो जीरो टू इन्फिनिटी। लेकिन वन अपॉन टू पावर एन माइनस टू एन माइनस वन अगर कर दिया जाए तो एक्स पावर वन बाई थ्री एक्स पावर वन बाई फाइव, उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है ना, ये इधर भी बढ़ता है ना, ठीक। तो इसके लिए क्या है, पूरा आर हो जाएगा। अब अगर वन अपॉन एक्स पावर एन, ये क्या है आपका, जस्ट वन अपॉन एक्स पावर एन, इसको हम अगर देखें तो इसमें क्या दिक्कत है, मात्र दिक्कत होगा तो एक्स पावर एन का, इसको रैशनल फंक्शन कहते हैं है ना। तो वन अपॉन एक्स पावर एन में एक्स इक्वल टू जब जीरो होगा तब प्रॉब्लम होगा, तो जीरो को हटा दीजिए। तो जब जीरो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर में से जीरो आपको हटाना है, तो ये जो आर एक्सेप्टिंग जीरो यही लार्जेस्ट डोमेन होने वाला है, मतलब डीओडी होने वाला है, क्लियर है। अब ये एक्स पावर एन के साथ बगल में अगर कुछ रहता और माइनस समथिंग, तो उसके हिसाब से आप देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, लार्जेस्ट डोमेन क्या है, तो ये पूरा आर एक्सेप्टिंग जीरो हो गया। ए पावर एक्स ए ग्रेटर देन वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरीके से मैंने लिया, एक है जब ए ग्रेटर देन वन होगा, एक है जीरो लेस देन ए लेस देन वन होगा, है ना। इसका जो स्टैंडर्ड आपको एग्जाम्पल पता भी है, एग्जाम्पल है जैसे ई टू दी पावर एक्स है और ई टू दी पावर माइनस एक्स है। ई टू दी पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है, वन बाई ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स जो होता है ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718 एंड वन, जो कि ग्रेटर देन वन है, और वन अपॉन ई करेंगे तो लेस देन वन, लेकिन जीरो से बड़ा, ठीक है ना। सो है ना, ई टू दी पावर एक्स के लिए है ना वाला केस में याद रखिए पूरा आर होता है, पूरे ड्यूटी पूरे आर पे डिफाइन होता है ना। इनपुट जहाँ से लिया जा रहा है वही चीज़ होता है, याद रखिए ना। और ए टू दी पावर एक्स जीरो लेस देन ए लेस देन वन, मतलब ये वाला केस में आप और भी कई एग्जांपल्स आप ले सकते हो है ना, उनके लिए भी ड्यूटी आर होता है। लेकिन लॉग एक्स के लिए याद रखिए, यहाँ पर ए मैंने लिखा है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन वन और जीरो लेस देन ए लेस देन वन, इस वाले केस में आपका ड्यूटी, आप ग्राफ जानते भी हो, एक इस तरीके से बनता है ना, और एक इस तरीके से बनता है, तो दोनों के लिए जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में होता है, लेकिन जीरो पे डिफाइन नहीं होता, लॉग जीरो इज अनडिफाइंड, याद रखिए। जिसमें से है ना आपको पता होना चाहिए कि लॉग ई ज़ीरो है ना, लॉग ए ज़ीरो और लॉग ए ज़ीरो दोनों में डिफरेंट है। जैसे मैंने लॉग ई ज़ीरो लिखा और एक लिखा जैसे कि लॉग वन बाई ई, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा है ना, log ई ज़ीरो और log वन अपॉन ई ज़ीरो जो है, इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए है ना। log ई ज़ीरो है ना, e के बेसिस वाला ये है ना, ये वाला ग्राफ है ए ग्रेटर देन वन के लिए, ये होता है। तो देखिए है ना, ज़ीरो पे किधर जा रहा है, इन्फिनिटी, कौन सा, माइनस इन्फिनिटी। सो log ई ज़ीरो होता है माइनस इन्फिनिटी, इसलिए जनरली आप देखा होंगे जो log ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। बट log वन बाई ई ज़ीरो है ना, मतलब कि ये वाला केस जीरो लेस देन ए लेस देन वन, ये किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो इस केस में प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये वाला इसकी वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी, कन्फर्म है। तो इस तरीके से ये हुआ है ना नाइन्थ। अब इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनके भी रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए ना, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए लिखा है, साइन एक्स का होता है डी ओ डी आर, जो मैंने पहले ही बता दिया था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कॉस के लिए भी वही आर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रियल लाइन है ना, ठीक है ना। बट टेन एक्स में आप देख रहे हो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। तो टेन एक्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसको जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको हटाया जाता है, माइनस किया जाता है, हटाया जाता है। तो क्या है इसमें, टेन एक्स का मतलब है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन एक्स का मतलब क्या है, साइन अपॉन कॉस। अब कॉस जहाँ जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो कॉस एक्स ज़ीरो आप कीजिए, कॉस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस टू एन प्लस वन बाई टू पाई। अब देखिए यहाँ से हुआ x इक्वल टू टू एन प्लस वन बाई टू पाई, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स, ओके। या फिर 2n माइनस वन बाई टू पाई करोगे, माइनस भी करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वही है ना, ये जो वैल्यूज़ आएंगे वो पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, इधर माइनस पाई बाई टू, माइनस है ना थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ऐसे सब आने वाले, उन पे ये जो है डिफाइन है ना, ये जीरो होगा, मतलब ये ओवरऑल डिफाइंड नहीं होगा, तो उनको हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा इनके लिए डी ओ डी, कन्फर्म। अब कॉट एक्स का मतलब होता है, कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन। तो साइन एक्स जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ प्रॉब्लम होगा। अब साइन एक्स जैसे कि अगर हम ज़ीरो करें, साइन एक्स अगर हम ज़ीरो लें तो साइन एक्स इक्वल टू होगा साइन एन पाई। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि क्या बोलते हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। अब ये जो एक्स इक्वल टू एन पाई है वहाँ वहाँ ये जीरो होगा, मतलब ओवरऑल डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो उनको हटा दीजिए। तो माइनस एक्सेप्टिंग एन पाई, सेम सेक एक्स वन अपॉन कॉस एक्स, तो सेम
कॉस एक्स मतलब ये वाला केस में प्रॉब्लम होने वाला है सो इसको हटा दिया, और जब कॉस एक्स वन अपॉन साइन एक्स मतलब ये वाला केस में प्रॉब्लम होगा तो ये हटा दीजिए। क्लियर? तो ये हुआ पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बाद इनवर्स के लिए मैंने लिया है। वैसे ग्राफ जब हम देखेंगे बाई पूरे लाइन से उसको आप जरूर देखिएगा, वहाँ पूरा हम पूरे डिटेल करेंगे। जो रेंज जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ रेंज वहाँ बताऊँगा, पूरा डिटेल करूँगा, है ना। तो देखिए यहाँ फिलहाल हमें DOD से मतलब है, साइन इनवर्स एक्स इसकी DOD होती है क्लोज इंटरवल -11, कॉस इनवर्स एक्स की होती है क्लोज इंटरवल -11 ए टू जेड, टेन इनवर्स एक्स की होती है आर, कॉट इनवर्स एक्स की होती है आर, है ना। मतलब पूरे रियल लाइन में डिफाइन है टेन इनवर्स एक्स जो है, ग्राफ ही बनता है बिल्कुल ऐसे लाइन से कंप्लीट, कॉट इनवर्स का ऐसे इस तरीके से जाता है। ओके, सेक इनवर्स एक्स -1 और 1 के बीच वाले पोर्शन में प्रॉब्लम होता ही नहीं, बाकी है ना -∞ to -1, 1 to ∞ में ये डिफाइंड होता है, इनपुट वहाँ से लेते हैं। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स के भी -∞ to -1, 1 to ∞ में लिया जाता है बीच वाले को छोड़ करके। क्लियर हो रहा है ना, ये बीच वाला पोर्शन हटा दिया गया है। ओके, तो ये हुआ इनकी DOD। कुछ और हम मैं अपने हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए ताकि हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो। देखिए ना, मैंने log x का भी जस्ट लिखा था, log x के लिए आपने ऑब्जर्व किया था log x, तो इनकी DOD क्या था, आपने क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू 0 to ∞। इसका मतलब क्या है, x हाँ 0 x ∞ मतलब कि x ग्रेटर देन 0, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब सोचिए log ही x की DOD क्या होगी, ऑब्जर्व कीजिए, है ना, इनकी DOD को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, है ना। तो आप सोच लिए होंगे, है ना, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर log x ग्रेटर देन 0 होगा, सो log x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि टैकिंग, है ना, आप इसमें क्या कीजिए, e लगा लीजिए, e log e x ग्रेटर देन e पावर 0। क्लियर ना, तो यहाँ से ये क्या मिलता है x, रिजल्ट आपको पता है a log a x इक्वल टू x, तो यहाँ e log e x क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इसकी वैल्यू 1। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 x ∞, यानी 1 to ∞। कन्फर्म, मतलब इसकी DOD क्या होगी, 1 to ∞ होगी। ओके, और हम बढ़ाते हैं, तो इसकी DOD ये हुई, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1 to ∞। ठीक, अब देखिए, है ना, हम इसको और बढ़ाएंगे इनके लिए, log x, अब यहाँ फिर से मैंने log ले लिया, क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा ना, ये तो दिमाग में आ गया कि log e x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लगाइए log e x ग्रेटर देन e पावर 0, ठीक है ना। ये शॉर्टकट में आप डायरेक्ट याद रखिए इसे, log e x ग्रेटर देन, जैसे मैंने लिखा तो x ग्रेटर देन e पावर 0, है ना, log e x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर log को मैं उधर ले जाऊँ तो e पावर 0, ऐसा आप शॉर्टकट में भी याद रखिए, टेक्निक बताया भी था ऐसे दोनों फॉर्म में, e पावर लेने से भी आप कर सकते हो, तो आप मैथमेटिक्स वाले इतना तो हमें पता ही है ना। तो आप log इधर गया, e पावर 0 हो गया, अब ये जो है log e x ग्रेटर देन 1, फिर से टैकिंग उधर आप कीजिए, तो x ग्रेटर देन e पावर 1 मीन्स e, इसका मतलब कि, है ना, ये हुआ e x ∞, मतलब कि e टू इन्फिनिटी इनका क्या हुआ DOD। कन्फर्म हो रहा है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम इसको अभी नहीं छोड़ेंगे और बढ़ाएंगे ना, तो जैसे ही और मैं बढ़ाता हूँ log e x, ठीक है ना। अब देखिए, अब सोचिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, इसका मतलब कि log e x ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो ये वाला log उधर ले जाइए, तो बचा log e x ग्रेटर देन e पावर 0, है ना, तो ये हुआ log e x ग्रेटर देन 1, फिर ये वाला log उधर ले जाइए, तो ये हुआ log e x ग्रेटर देन e पावर 1, e पावर मतलब कि e ना, फिर से इधर ले जाइए तो ये जाएगा e पावर e, इसका मतलब e पावर e, है ना, x ≤ ∞, इसका मतलब इनके लिए DOD हो जाएगा e टू दी पावर e टू इन्फिनिटी। अगर एक बार फिर से मैं बढ़ाऊँ तो, यानी कि log e x,
ठीक है ना, इसमें है ना बोर नहीं होना है ना। इसमें एक्चुअली क्या है, आप जितना आगे बढ़ाते जाओगे आपको एक कंसेप्ट मिलता चला जाएगा, आपको फार्मूला मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने सबसे पहले लॉग एक्स किया था, ये आया है ना, ग्रेट, ये था आपका 0 to infinity, लॉग लॉग में 1 to infinity, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कुछ ई के फॉर्म में मिल रहा है, लॉग 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 तो ई है ना, ट्रिपल लॉग तो ई, और जब 4 log तो e के पावर e। तो समझिए, अगर मैं n log करूं है ना, ऐसे करते करते एंड सो ऑन log e x, ये जो है समझ लीजिए n टाइम्स है, मतलब n तो है ये है log e log e log e करके n बार है ये। अब सोचिए इनके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए होगा हमारा e टू दी पावर एंड सो ऑन e टू इन्फिनिटी। कन्फर्म है बात है, ये कितने टाइम्स आ रहा है, कितने पावर जा रहा है। अगर हम गौर करें तो ये 4 के लिए था x बिलोंग टू e टू दी पावर e टू इन्फिनिटी, 5 के लिए करते तो क्या होता, अगर हम यहाँ log 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 x, तो यहाँ x बिलोंग्स टू e टू दी पावर e टू इन्फिनिटी था। तो आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर कि जब ट्रिपल है तो यहाँ सिंगल है, 4 है तो डबल है ना, 5 है तो ट्रिपल है, तो n है तो देखो 2 कम हो रहा है, जस्ट 2 कम हो रहा है ना, जैसे 4 है तो यहाँ 2 है, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ 3 है, तो n है तो ये कितना होगा, n-2, जस्ट 2 कम, क्लियर हो रहा है। इस तरीके से इनके लिए हुआ ये। अब ये जो e था वो e ग्रेटर देन 1 के लिए था, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए 0 less than है ना, a लेस देन 1 वाले केस में किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हुआ इनके लिए DOD, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।